दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को कई पर्वतारोही फतेह कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई एवरेस्ट से कम होने के बावजूद उन्हें आज तक कोई भी फतेह नहीं कर सका, और उन्हीं में से एक है मणिमहेश कैलाश। मणिमहेश कैलाश पर्वत उन बिरले पहाड़ों में से एक है जो आज भी अजय है। इस पर चढ़ने की तमाम कोशिशें नाकाम तो हुई ही, साथ ही कई लोगों ने अपनी जान तक गंवाई। ऐसा नहीं है कि इस पर्वत पर चढ़ने की किसी ने कोशिश नहीं की। कईयों ने शिव के इस निवास तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वे कभी लौट नहीं पाए। कुछ दूरी पर ही वे पत्थर के बन गए। इस संबंध में कई चर्चित रोचक किस्से हैं। जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, वो या तो पत्थर में तब्दील हो गया या फिर भूस्खलन की चपेट में आने की वजह से उसकी मौत हो गई। जिन्होंने चढ़ने का असफल प्रयास किया, उन्होंने नतमस्तक होकर फिर कभी इसे फतेह करने के बारे में नहीं सोचा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं पुराणों में वर्णित पंच कैलाशों में से एक मणिमहेश पर्वत के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पवित्र पर्वत हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में उपमंडल भरमौर के तहत आता है, जो मणिमहेश कैलाश पर्वत के नाम से विश्व विख्यात है। मणिमहेश पर्वत आज भी सबके लिए रहस्य बना हुआ है। इस पर चढ़ने से अदृश्य ताकतें इंसानों को रोक देती है। जब भी किसी इंसान या अन्य जीव ने इस पर चढ़ने की कोशिश की तो मौसम अचानक खराब हो गया। ऐसे में चढ़ाई इतनी कठिन हो गई कि चढ़ने वालों को लौटना पड़ा। कई बार भूस्खलन ने चढ़ाई करने वालों को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। मणिमहेश सदा से ही श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। मणिमहेश पर्वत को फतेह न करने के बारे में कई रोचक कहानियां प्रचलित है। कहा जाता है कि कई सौ वर्ष पहले एक गडरी ने भेड़ों के साथ मणिमहेश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि वह पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी कर पाता, वो पत्थर में तब्दील हो गया। इसी तरह एक कहानी के अनुसार एक कौवे तथा सांप ने भी पर्वत के शिखर पर पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन वे भी पत्थर के बन गए। इटली के एक दल ने 1965 में इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान अचानक मौसम खराब हो गया, जिस कारण चढ़ाई करना काफी कठिन हो गया तथा दल कामयाब नहीं हो पाया। 1968 में भारत और जापानी महिलाओं के एक संयुक्त दल ने मणिमहेश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक भूस्खलन शुरू हो गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई। मुश्किल से कुछ लोग अपनी जान बचा पाए। सन 2000 में संचुई के तीन युवकों ने मणिमहेश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे जिंदा नहीं बच पाए। इसके बाद फिर किसी ने यहाँ चढ़ने की कोशिश नहीं की। कहा तो ये भी जाता है कि इसके ऊपर से आज तक कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पाया है। मणिमहेश पर्वत पर रात्रि के चौथे पहर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में एक मणि चमकती है। इसकी चमक इतनी अधिक होती है कि उसकी रोशनी दूर दूर तक दिखाई पड़ती है। रहस्य की बात तो ये है कि जिस समय मणि चमकती है उससे काफी समय के बाद सूर्योदय होता है। श्रद्धालु चमकती मणि को देखने के लिए रात भर जागते हैं। यही कारण है कि इस पर्वत को मणिमहेश के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों की राय में इस पर्वत की जटिल संरचना और यहाँ का भौगोलिक वातावरण ही इसे अजय बनाता है। मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को दंचो नामक स्थान से होते हुए पवित्र मणिमहेश डल झील तक का सफर करना पड़ता है। दंचो के पीछे भगवान शिव की एक कहानी बहुत प्रचलित है। कहानी इस तरह से है कि एक बार भस्मासुर नामक राक्षस ने भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए कड़ी तपस्या की। भोलेनाथ भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा। उसने वरदान मांगा कि वह जिसके सिर के ऊपर भी हाथ रखे वह भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने भस्मासुर को यह वरदान दे दिया, लेकिन इस दौरान भस्मासुर के मन में खोट आ गया तथा वह भोलेनाथ को ही भस्म करने के लिए आगे बढ़ा। इस दौरान भगवान ने वहां से दंचो में आकर आश्रय लिया, जहां पर वह भोलेनाथ को खोज नहीं पाया। इसी दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को भस्म कर दिया। मणिमहेश यात्रा के दौरान शिव घराट के रहस्य से भी श्रद्धालु काफी हैरान होते हैं। दंचो व गौरी कुंड के मध्य एक ऐसा स्थान है जहाँ पहुँचने पर घराट यानी कि घट्टी के घूमने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। इस दौरान ऐसा लगता है कि मानो उक्त स्थान पर पहाड़ में कोई घराट घूम रहा हो। इस स्थान को शिव घराट के नाम से जाना जाता है। श्रद्धालु यात्रा के दौरान शिव घराट की आवाज सुनने के लिए उक्त स्थान पर पहुंचते हैं।